यूपी के सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीएम कमलनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से राज्य में हुए बाढ़ से नुकसान की रिपोर्ट सौंपी है। इसके साथ ही सीएम ने पीएम से राज्य की मदद के लिए 16,000 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज की मांग की है। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक मुलाकात चली। पीएम से मिलकर निकलने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि उन्होंने बारिश और बाढ़ से प्रदेश में हुई तबाही और फसलों के नुकसान की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। साथ ही इस नुकसान की भरपाई के लिए 16,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। सीएम कमलनाथ की माने तो पीएम ने इस राहत पैकेज पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार हुई आफत की बारिश और बाढ़ के कारण करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई, लाखों मकानों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों घर ढह गए, दर्जनों लोगों और पशुओं की जान चली गई। सोयाबीन, उड़द, कपास, मक्का की फसल चौपट हो गई है। सब्जी और फलों की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कपास, सोयाबीन, मक्का, उड़द का कम उत्पादन होने के कारण पूरे देश का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार फिर से बाढ़ के नुकसान का सर्वे कराने वाली है, क्योंकि अभी राज्य में बारिश का दौर थमा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।